नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट के बारे में। इसका दूसरा नाम है ड्रग एंड मैजिक रिमेडीज एक्ट 1954। ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट या इसे हम कहेंगे ड्रग एंड मैजिक रिमेडीज एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस एक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया था और इस एक्ट के अंदर जो बहुत सारे वर्ड्स हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनको वर्ड्स को कैसे डिफाइन करेंगे, उन डेफिनेशंस के बारे में हम लोग जान लिए थे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस एक्ट के अंदर कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दी गई हैं। मींस कोई भी पर्सन इन एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश नहीं कर सकता या कोई भी पर्सन इस एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जब हम एक्ट को स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट जो प्रोहिबिटेड है उन सभी एडवर्टाइजमेंट्स को फोर सेक्शन में डिवाइड किया गया है, फोर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और वो सेक्शन है सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। मीन्स ये चार सेक्शंस हैं जिन सेक्शंस में सभी एडवर्टाइजमेंट्स को प्रोहिबिट की गई है। अब ये सेक्शन क्या क्या है इनके बारे में डिटेल जानते हैं। पहले सेक्शन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट्स हैं जिनको हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे जिन एडवर्टाइजमेंट्स को प्रोहिबिट की गई है अंडर द ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। सबसे पहला ग्रुप हमारा है कि एडवर्टाइजमेंट और सर्टेन ड्रग्स रिलेटेड टू या टू ट्रीट सर्टेन डिजीज। एडवर्टाइजमेंट और सर्टेन ड्रग्स टू ट्रीट सर्टेन डिजीज कि कुछ जो ड्रग्स जो कुछ डिजीजेस को ट्रीट करती हैं उन ड्रग्स का हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते। ड्रग्स जो कुछ सर्टेन डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं उन ड्रग्स को हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते। दूसरा ग्रुप है कि कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो, किसी को गुमराह करने वाली एडवर्टाइजमेंट हो या कोई गलत एडवर्टाइजमेंट हो, उस एडवर्टाइजमेंट को हम वो एडवर्टाइजमेंट इस एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड है। तीसरा ग्रुप है कि मैजिक रिमेडीज एडवर्टाइजमेंट, यदि कोई पर्सन है वो पर्सन के पास डिवाइन पावर है, मैजिकल पावर है, मिरेकुलस पावर है कि किसी भी डिजीज को ठीक कर सकते हैं, तो वो पर्सन अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर सकते। और लास्ट ग्रुप है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट और एनी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट। तो ये चार ग्रुप्स हैं, इन चार ग्रुप्स को जो एडवर्टाइजमेंट है वो एक्ट कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है। सबसे पहला अब ये जो चार ग्रुप्स है उसको फोर सेक्शन में डिवाइड किया गया है एक्ट के अंदर, वो सेक्शन हमारा सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 3 का डिटेल स्टडी करते हैं। सेक्शन 3 कह रहा है, सेक्शन 3 की जो हेडिंग है वहां पे क्या कहा जा रहा है कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ सर्टेन ड्रग्स टू ट्रीट सर्टेन डिजीजेस कि कुछ डिजीजेस हैं उन डिजीज को ट्रीट करने के लिए जिस ड्रग का हम यूज करते हैं उन ड्रग को हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि कोई भी पर्सन विल नॉट टेक पार्ट इन एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशन कि कोई पर्सन इन ड्रग्स के एडवर्टाइज को एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता या इन ड्रग्स के एडवर्टाइजमेंट में अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब ये ड्रग्स जो सर्टेन डिजीजेस के लिए है हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन सी डिजीजेस हैं जिनके ट्रीटमेंट के जो ड्रग यूज की जाती है उन ड्रग का एडवर्टाइजमेंट कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, कंप्लीटली बैन है। जो जो डिजीजेस हैं उन डिजीज को फिर हम फर्दर फोर या फाइव सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जो इस सेक्शन 3 के अंदर जो डिजीजेस मेंशन की गई हैं उन डिजीज को हम लोग पांच सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है नंबर 1 इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ मिसकरेज, मीन्स कोई भी ड्रग एबॉर्शन के लिए यूज हो रहा है तो हम उस ड्रग का एडवर्टाइज नहीं करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन इन वुमेन कि वुमेन के अंदर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कोई ड्रग जो यूज होती है उन ड्रग में एडवर्टाइज नहीं करेंगे। थर्ड ग्रुप है मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग सेक्सुअल प्लेजर कि ह्यूमन बीइंग के सेक्सुअल प्लेजर को मेंटेन करने के लिए या उसको इंप्रूव करने के लिए जिस ड्रग का यूज किया जा रहा है उन ड्रग को एडवर्टाइज नहीं करेंगे। और लास्ट हमारा है कि डायग्नोसिस क्योर ट्रीटमेंट मिटिगेशन और प्रिवेंशन। ये पांच वर्ड यहां पे है, वर्ड क्या हमारा है डायग्नोसिस क्योर मिटिगेशन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन कि कोई भी ड्रग जो कुछ सर्टेन डिजीजेस के लिए यूज हो रही है किस पर्पस के लिए डायग्नोस करने के लिए या उनको ट्रीट करने के लिए या उनको प्रिवेंट करने के लिए या उनके उनको मिटिगेट करने के लिए तो हम उन ड्रग को एडवर्टाइज नहीं कर सकते। और वो डिजीज क्या है यदि हम वन लाइन में कहना चाहें हम
सकते हैं कि शेड्यूल जे के अंदर जितने डिजीज मेंशन की गई हैं, शेड्यूल जे के अंदर करीब 54 डिजीज मेंशन की गई हैं, कि उन 54 डिजीज के ट्रीट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए, क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए हम जिन ड्रग का यूज करते हैं उन ड्रग का एडवर्टाइज नहीं कर सकते। एक्ट में क्या कह रहा है कि डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज स्पेसिफाइड इन द एक्ट और स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल जे आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। क्लियर बात ये कि ये फाइव पॉइंट्स है, जो फाइव डिजीजेस कंडीशंस है, फाइव डिजीज ग्रुप्स है, उन डिजीजेस के लिए कोई भी ड्रग यदि यूज हो रही है तो हम उस ड्रग का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ये कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दी गई है अंडर द ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट और मैजिक रेमेडीज एक्ट। अब आई गई सेक्शन 40। सेक्शन 4 कह रहा है कि फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो फॉल्स है मींस गलत है या मिसलीडिंग है मतलब पब्लिक को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है, तो वो एडवर्टाइजमेंट हम इस एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड है। यहां पर भी यही कहा जा रहा है कि नो पर्सन शैल टेक पार्ट इन पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स। और वो एडवर्टाइजमेंट कैसी, नंबर वन, यदि कोई एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉल्स इंप्रेशन दे रहा है रिगार्डिंग ट्रू कैरेक्टर ऑफ द ड्रग, कि जो ड्रग का जो ट्रू कैरेक्टर है उसके बारे में फॉल्स इंप्रेशन दे रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली फॉल्स इंप्रेशन दे रहा हो, तो वो एडवर्टाइजमेंट क्या है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। दूसरा है इसी के अंदर कि मेक्स फॉल्स क्लेम, कि वो झूठा क्लेम कर रहा है कोई भी ड्रग है और वो क्लेम, उनकी क्लेम जो है वो गलत है, झूठा है, तो उस एडवर्टाइजमेंट, वो एडवर्टाइजमेंट कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। और लास्ट है मिसलीडिंग एंड फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, कि कोई भी फॉल्स हो या मिसलीडिंग हो एनी मैनर, किसी भी तरीके से भी वो फॉल्स है और मिसलीडिंग है, तो एडवर्टाइजमेंट कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। तो सेक्शन 4 के अंदर फिर 3 सब ग्रुप्स हैं। नंबर 1 इज द एडवर्टाइजमेंट, या नंबर 1 इज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या एनी एडवर्टाइजमेंट गिव, या ऐसे कहेंगे लोग कि नंबर 1 में कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉल्स इंप्रेशन रिगार्डिंग ट्रू कैरेक्टर ऑफ द ड्रग, कि कोई एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉल्स इंप्रेशन दे रहा है रिगार्डिंग ट्रू कैरेक्टर ऑफ द ड्रग, वो एडवर्टाइजमेंट कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। मेक्स फॉल्स क्लेम ऑफ दैट फॉर द ड्रग, कोई एडवर्टाइजमेंट फॉल्स क्लेम कर रहा है ड्रग के बारे में, तो वो एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है। और लास्ट हो गया फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से, किसी मटेरियल में, किसी भी रूप में यदि वो ड्रग, वो एडवर्टाइजमेंट फॉल्स और मिसलीडिंग है, तो वो एडवर्टाइजमेंट कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। तो हम लोगों ने स्टडी क्या कर लिया, सेक्शन 3 के अंदर कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है और सेक्शन 4 के अंदर कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है। अब हम लोग करेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 5 कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ द मैजिक रेमेडीज आर प्रोहिबिटेड। मैजिक रेमेडी मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कोई पर्सन है, उस पर्सन, वो पर्सन क्लेम कर रहा है कि उसके पास डिवाइन पावर है, या वो क्लेम कर रहा है कि उसके पास मिरेकुलस पावर है, या वो क्लेम कर रहा है कि उसके पास कोई मैजिकल पावर है कि वो डिजीज को ठीक कर सकता है। और स्पेशली किन डिजीजेस को, जो हम लोगों ने सेक्शन 3 में डिस्कस किया कि जो सेक्शन 3 के अंदर जो डिजीज मेंशन की गई हैं, उन डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, या उन डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, या उनको प्रिवेंट करने के लिए, या उनको क्योर करने के लिए, या उनको मिटिगेट करने के लिए कोई पर्सन ये क्लेम कर रहा है क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर है, या इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, मैजिकल रेमेडीज प्रोफेशन इन्वॉल्व है, तो वो पर्सन अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर सकता अंडर द सेक्शन 5 ऑफ द ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। और लास्ट पॉइंट आ गया सेक्शन नंबर 6, वो क्या कह रहा है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, मींस कोई भी पर्सन ना तो इंपोर्ट कर सकता है ना किसी एडवर्टाइजमेंट को एक्सपोर्ट कर सकता है जो एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिट की गई है अंडर सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। कि जिन एडवर्टाइजमेंट को सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में प्रोहिबिट कर दी गई है, उन एडवर्टाइजमेंट का कोई भी पर्सन ना तो इंपोर्ट कर सकता है और ना ही वो इंडिया से उसे एक्सपोर्ट कर सकता है। यहां तक कि जो कस्टम एक्ट है, कस्टम एक्ट 1878, कस्टम एक्ट 1878, वहां पर भी मेंशन की गई है कि यदि कोई भी डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट किसी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है और उस डॉक्यूमेंट को वो गुड्स समझेंगे, दैट इज ए गुड्स, और उस गुड्स को का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंप्लीट प्रोहिबिट कर दी गई है। इसके अंदर अंडर द कस्टम एक्ट 1878,
तो इस तरह से वो भी ये स्टडी किया आज के वीडियो में कि कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ पूरे अपने वीडियो को या पूरे अपने लेक्चर को। समराइज में क्या हो गया कि जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उन एडवर्टाइजमेंट्स को फोर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स टू ट्रीट सर्टेन डिजीजेस, सेकेंड वन इज द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, थर्ड वन इज द मैजिक रिमेडीज एडवर्टाइजमेंट एंड फोर्थ वन इज द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। सब फर्स्ट ग्रुप पे एडवर्टाइजमेंट और सर्टेन ड्रग्स टू ट्रीट द सर्टेन डिजीजेस, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि नो पर्सन शैल टेक पार्ट इन एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशन ऑफ ड्रग दैट सजेस्ट, कि वो ड्रग जो सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट कर रहा है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ द मिसकैरेज, प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्सेप्शन इन वुमेन, इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन प्लेजर या ह्यूमन सेक्सुअल प्लेजर, करेक्शन ऑफ द मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और लास्ट वन इज द डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ द वेनरल डिजीजेस और एनी अदर डिजीजेस स्पेसिफाइड इन द एक्ट और एनी डिजीजेस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल जे। नेक्स्ट कैटेगरी है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, नो पर्सन शैल टेक पार्ट इन एनी पब्लिक, नो पर्सन शैल टेक पार्ट इन पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू दैट, दैट इज द मिसलीडिंग। मींस इसके अंदर फिर थ्री ग्रुप्स है कि डायरेक्टली और एनी एडवर्टाइजमेंट गिव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉल्स इंप्रेशन रिगार्डिंग द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द ड्रग, नंबर टू मेक अ फॉल्स क्लेम रिगार्डिंग ड्रग, एंड नंबर थ्री फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन एनी मैनर या एनी वे, तो उस एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीटली मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ग्रुप लेंगे और इसको कंप्लीटली हम लोग प्रोहिबिट करेंगे। थर्ड वन इज द मैजिकल रिमेडीज एडवर्टाइजमेंट, पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन ऑफ मैजिक रिमेडीज विल नॉट टेक पार्ट इन एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू मैजिक रिमेडीज ऑफ द डिजीजेज दैट वॉज मेंशन इन द सेक्शन थ्री। सेक्शन थ्री के अंदर जो डिजीजेज मेंशन की गई है उन डिजीजेज को एडवर्टाइज करने के लिए किसी पास मैजिकल पावर है या डिवाइन पावर है तो अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करेंगे। और लास्ट वन इज द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, नो पर्सन शैल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एनी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द एडवर्टाइजमेंट। यहाँ तक कि जो कस्टम एक्ट है, कस्टम एक्ट 1878, वहां पर यह कहा गया है कि कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट है उस एडवर्टाइजमेंट को हम एज ए गुड्स ट्रीट करेंगे और उन गुड्स का न तो इम्पोर्ट हो सकता है इंडिया के अंदर और न ही उनका एक्सपोर्ट हो सकता है। तो दिस इज द समरी ऑफ द प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट अंडर मैजिक रिमेडीज एक्ट और अंडर द ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। ये सारी चीजें हमारे बोर्ड पर लिखी हुई है, हम फिर से बोर्ड पर देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सर्टेन ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर्स, वो क्या है कि पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट दैट सजेस्ट टू लीड टू यूज ऑफ ड्रग्स, और किस चीज के यूज हो रहा है वो ड्रग, कि वो प्रोक्योरमेंट ऑफ द मिसकैरेज, प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्सेप्शन, मेंटेनेंस और इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग capacity for the sexual pleasure, correction of the menstrual disorder, diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of the venereal disease or any other diseases prescribed in the act, और इसके अलावा इसमें ये भी इंक्लूड किया गया है कि एनी डिजीज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल जे। शेड्यूल जे हमारे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट में भी आ रही है और ये शेड्यूल हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी आती है। दूसरा ग्रुप क्या हुआ कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, नो पर्सन शैल टेक एनी पार्ट इन एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशंस रिलेटेड टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव्स अ फॉल्स इंप्रेशन रिगार्डिंग ट्रू कैरेक्टर ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट वन इज द मेक अ फॉल्स क्लेम फॉर द ड्रग एंड लास्ट वन इज द फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन एनी मटेरियल एनी मैनर। थर्ड ग्रुप हमारी है मैजिक रिमेडीज टू ट्रीट द सर्टेन डिजीजेस, कि कोई पर्सन कैरिंग ऑन मैजिक रिमेडीज शैल नॉट एडवर्टाइज मैजिक रिमेडीज दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लेम टू क्योर द डिजीज स्पेशली स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल सेक्शन 3। सेक्शन 3 मींस दीज डिजीजेस एंड लास्ट वन द प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इसमें क्या कहा जा रहा है कि नो पर्सन कैन इंपोर्ट any documents containing advertisement related to section 3, 4 and 5, section 3, 4 and 5. और आप क्या कहें, डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग सच एडवर्टाइजमेंट शैल बी डीम्ड टू बी गुड्स, ये सामान भी समझा जाएगा, एंड दैट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैज बीन प्रोहिबिटेड अंडर द सेक्शन 19 ऑफ द सी कस्टम एक्ट 1878।
कि सेक्शन 19 जो है हमारी सी कस्टम एक्ट के अंदर उस एक्ट में उस सेक्शन में ये कहा गया कि इन एडवर्टाइजमेंट का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट जो इनसे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट है उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज के इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो यहाँ तक प्रोहिबिट की गई है लेकिन कुछ कंडीशंस में हम उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, मींस कि एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट की कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो एक्ट के द्वारा एग्जेम्प्ट कर दी गई है कि हम इस मैनर या उस मैनर में उस ट्रक का एडवर्टाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक्स।